नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका नील और आप देख रहे हैं मास्टर योर माइंड। सो थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू पीपल गेव मी ऑन माय फर्स्ट वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल द लवली कमेंट्स एंड आई प्रॉमिस यू टू गिव द बेस्ट कंटेंट इन माय वीडियोस। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अलोंग विद द घंटा। दोस्तों, आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे लाइफ की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आप कितना भी दूर जाने की कोशिश कर लीजिए पर वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। बहुत ही वफादारी के साथ हम हमारे साथ रहते हैं। सो प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्ट्रेस जी। नाम तो सुना ही होगा। स्ट्रेस यानी कि तनाव। ये होता क्या है स्ट्रेस? अगर आप डेफिनेशन से जाए, स्ट्रेस कुछ ऐसा होता है कि कोई भी चीज या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जिससे हमें लगता है कि हमारे क्षमता से बाहर है या फिर हमारे हाथ से बाहर है और वो हमें डिप्रेशन, घबराहट, एंग्जाइटी और नर्वसनेस देता है, तो वही है स्ट्रेस। स्ट्रेस दो टाइप का होता है। एक होता है गुड स्ट्रेस, एक है बैड स्ट्रेस, मतलब क्रिएटिव स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। तो क्रिएटिव स्ट्रेस का मतलब वो होता है जब हम अपनी बॉडीज को कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं, तब होता है क्रिएटिव स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में स्ट्रेस देते हैं टू डेवलप मसल्स इन द बॉडी। तो दिस इज गुड स्ट्रेस, दिस इज क्रिएटिव स्ट्रेस। ओके, और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जब कोई रिडल सॉल्व करता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है, कोई बहुत ज्यादा मतलब फोकस देता है, बहुत ज्यादा फोकस देता है, तब उससे क्या होता है, तब क्रिएटिव स्ट्रेस पैदा होता है। तो ये जो क्रिएटिव स्ट्रेस है, इससे उसका इंटेलेक्चुअल वैल्यू बढ़ता है, उसका अटेंशन पावर बढ़ता है और उसका फोकस भी बढ़ता है। तो दिस इज गुड स्ट्रेस। ओके, तो इसके बारे में कोई मतलब इसको ये बॉडी को नुकसान नहीं देता। तो अब आता है डिस्ट्रेस, द स्ट्रेस विच इज हार्मफुल टू आवर बॉडी, टू आवर हेल्थ। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रेस होता क्या है? ये डिस्ट्रेस जो होता है, इसका पहला रीजन है इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका कोई काम नहीं बन रहा है और किसी ने आके टांग अड़ा दिया। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी ऑफिस में आपका बॉस आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, देन यू विल बी गेट स्ट्रेस्ड, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, उसके बाद ही आपका स्ट्रेस होगा। सेकंड है कंफ्यूजन। जी हाँ, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन एक ऐसा सिचुएशन है कि लाइक आपको आपके पास दो सिचुएशन है और आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, पर दोनों सिचुएशंस सही है। ठीक है, दोनों सिचुएशंस में आपको कोई एक सिचुएशन से करना है। फॉर एग्जांपल, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि माँ और पत्नी एक समुद्र में डूब रहे हैं, आप किसको बचाओगे? लॉन्डो के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो बहुत स्ट्रेस फील करते हैं ये क्वेश्चन को लेके। उसके बाद और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनकी प्रमोशन के साथ उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो लाइक वो बहुत कंफ्यूज्ड होते कि अब क्या करें, क्या हम दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए, क्या हम मेंटली प्रिपेयर्ड है, या फिर मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता, मेरे फैमिली है, आई कैन नॉट गो, और आई हैव टू स्विच टू अनदर जॉब। दिस इज कंफ्यूजन। इससे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल, वो प्रमोशन तो मिल रहा है उसके साथ ट्रांसफर भी मिल रहा है। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कोई मॉल में गए और मॉल में जाके आपने देखा डोमिनोज, केएफसी, अभी आपको कहाँ जाना है, डोमिनोज में जाना है या फिर केएफसी में जाना है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दिस इज स्ट्रेस। इससे मतलब आपको बहुत स्ट्रेस होता है एंड ये आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। उसके बाद तीन नंबर रीजन, चेंज। जी हाँ, चेंज। जब हमारे लाइफ में कोई भी चीज में चेंज आता है, देन वी गेट स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ाई में स्ट्रेस आता है, आपकी मार्क्स में जब चेंज आता है, तब आप स्ट्रेस फील करते हैं। उसके बाद आपकी रिलेशनशिप्स में चेंज आ रहा है, आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। उसके बाद आपकी फिनेंशियल स्टेटस में चेंज आ रहा है, अच्छा होता है तो इतना स्ट्रेस नहीं करते, पर लाइक जब आपकी फिनेंशियल नहीं होता, लाइक आपकी सैलरी नहीं आ रहा है, या फिर आप सोच लीजिए कि आपकी प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, आपकी बिजनेस सही नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस होते हैं। जब भी चेंज होता है कुछ भी, देन यू गेट स्ट्रेस। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब डिस्ट्रेस होने का बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज प्रेशर। जी हाँ, प्रेशर। आपको पता है इंडिया की 80% स्टूडेंट्स स्ट्रेस है प्रेशर के लिए। जी हाँ, क्योंकि उसमें से एक रीजन है लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, लोग क्या कहेंगे। इंडियन के स्टूडेंट्स उनकी पेरेंट्स मतलब उनको ऐसे ट्रेन करते हैं कि बेटा तो पढ़ ले,
बेटा तू पढ़ ले, क्योंकि अगर तू नहीं पढ़ा तुझे मार्क्स नहीं आएगा, तुझे मार्क्स नहीं आएगा तू अच्छा एक इंस्टीट्यूशन में नहीं जाएगा, और अच्छा एक इंस्टीट्यूशन में नहीं जाएगा तो तुझे अच्छा नौकरी नहीं लगेगा, और तब शर्मा जी क्या कहेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, तो ये लोग क्या कहेंगे, इसने इंडियंस को मतलब एकदम कर दिया। उसके बाद आप सोच लीजिए, लाइक रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है या फिर बॉयफ्रेंड का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, आप इस चीज का प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पा रहे, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहे, और रिलेशनशिप्स ऐसे ही ब्रोक होता है इस एक्सपेक्टेशंस के कारण। ठीक है, उसके बाद और एक एग्जांपल ले लीजिए, फाइनल एग्जाम्स का स्ट्रेस प्रेशर आता है, घर से आता है बहुत ज्यादा प्रेशर, तो दिस इज द थिंग, यही रीजन है डिस्ट्रेस का। डिस्ट्रेस ऐसे ही होता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेस है इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है बॉडी में। ठीक है, हमारे बॉडी में स्ट्रेस का कुछ हॉर्मोन्स होता है, जिसका प्राइमरी स्ट्रेस हॉर्मोन जो होता है उसका नाम है कॉर्टिसोल। तो जब कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में है, उसका लेवल जब हाई होता है, तब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। तो मैंने ऐसे 11 या 12 प्रॉब्लम्स मैंने लिस्ट आउट किया है, तो मैं आपको ये बोलने वाला हूं, प्लीज अच्छे से सुनिए, क्योंकि शायद आप इन प्रॉब्लमों से, एक दो प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हो। नंबर वन, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ योर हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक्स, क्योंकि आपकी ब्लड प्रेशर इससे बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, आपके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक का प्रॉब्लम मतलब रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इट श्रिंक्स योर ब्रेन। जी हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं उनका जो ब्रेन का साइज होता है वो धीरे धीरे श्रिंक करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद इट फ्यूल्स कैंसर। आपको क्या लगता है कि तंबाकू चबाने से आपको स्ट्रेस होता है? जी नहीं। कैंसर होता है? जी नहीं। स्ट्रेस के कारण भी आपको कैंसर हो सकता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि कैंसर होने का रिस्क आपको भी, आपको सिर्फ ये नहीं कि मैं तंबाकू नहीं चबा रहा हूं तो इसका मतलब मुझे कैंसर नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, इट फ्यूल्स कैंसर। ठीक है, उसके बाद इट ब्रेक्स योर इम्यून सिस्टम, ये आपकी जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसको तहस नहस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इट कॉजेस वेट गेन, ठीक है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल बहुत हाई कर देता है, और आपको ये जो बेली फैट होता है ना, ये इस कारण ही होता है। ठीक है, इट कॉजेस वेट गेन, तो स्ट्रेस वेट गेन का बहुत बड़ा रीजन होता है। उसके बाद आता है इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ एंटी एजिंग हॉर्मोन्स। जी हाँ, हमारे सबके बॉडी में एंटी एजिंग हॉर्मोन्स होता है जो हमें मतलब यंग रखता है। ठीक है, बहुत ज्यादा यंग रखता है, जिसका डाइट, उसके बाद एक्सरसाइज, मतलब मेंटली पॉजिटिव जो रहते हैं उनका एंटी एजिंग हॉर्मोन्स जो होता है उसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं उनकी एंटी एजिंग हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन लो हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, आप सुनिए, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। जी हाँ, इसका मतलब है लॉस ऑफ लिबिडो। ठीक है, उसके बाद आता है कि इट टेंड्स टू हेयर लॉस प्रॉब्लम्स, आपके बाल झड़ते हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ मैंने अच्छा पानी यूज नहीं किया या फिर शायद कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? जी, आपका ये स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस आपकी हेयर लॉस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है इट कॉजेस इनडाइजेशन। ठीक है, आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो तब आपकी जो बॉडी है ये सर्वाइवल मोड पे आ जाता है, या सर्वाइवल मोड, तब ये नहीं देखता कि आप कितना हेल्दी खाना खा रहे हो। ठीक है, आप इधर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हो और इधर में अच्छा खाना खा रहे हो, बॉइल्ड फूड कुछ भी खा लो, तब आपका जो बॉडी है ना, तब सर्वाइवल मोड में जाता है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि जब भी खाना खाओ रिलैक्स होके खाओ, सब सोचो, अभी खाने पे ध्यान दो, सिर्फ फोकस करो खाने पे, सब भूल जाओ, जो भी प्रॉब्लम है सब भूल जाओ, आराम से खाओ। ठीक है, उसके बाद आता है ये मेमोरी लॉस करते हैं, इट टेंड्स टू मेमोरी लॉस। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स का मतलब शिकायत रहता है कि हम भूल जाते हैं आंसर सीखते हैं, या फिर कुछ भी हम पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, उसका कारण है स्ट्रेस। वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, और इसीलिए उनका मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है, कंसेंट्रेशन पावर का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंसोम्निया का प्रॉब्लम। ये बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स में, बहुत ज्यादा कॉमन है स्टूडेंट्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं और रात में सो नहीं पाते, और जब भी सोते हैं आप 2 या 3 घंटा सोते हैं तो स्लीप डिप्राइवेशन हो जाता है, उनकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण वो इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, तो स्ट्रेस करने वालों, आप देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या चीजों से आपका प्रॉब्लम हो सकता है।
दोस्तों अगर आपको कोई ये बता दे कि मैं आपको 10 टिप्स दे रहा हूं और आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, देन वो सरासर मजाक कर रहा है आपके साथ, क्योंकि कोई भी लाइफ में स्ट्रेस फ्री हो नहीं सकता। ठीक है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, पर अगर आप कुछ चीजें फॉलो करें, कुछ टिप्स फॉलो करें, देन आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस इज ऑल योर एटीट्यूड टू योर प्रॉब्लम्स। आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे देख रहे हैं। जो बंदा पॉजिटिव है उसका कितना भी स्ट्रेस आ जाए वो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो चलिए मैं आज आपको कुछ ऐसा टिप्स देता हूँ, थ्रू योर माइंड थ्रू योर बॉडी, डिवाइड कर देता हूँ। थ्रू योर माइंड थ्रू योर, अपनी बॉडी से कैसे आप स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं और अपने माइंड से आप कैसे स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप मतलब कैसे बॉडी से करते हैं। बॉडी का मैं 5 टिप्स आपको दूंगा। ठीक है, नंबर 1, स्लीप वेल। जो बहुत ही मतलब स्ट्रेस करते हैं, जो ओवरवर्क करते हैं, जो उनको मैं यही बताऊंगा कि आप मिनिमम 7 घंटे अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। जी हाँ, 7 घंटे आप मिनिमम रेस्ट दीजिए, उसके बाद 1 वीक के बाद आप रिव्यू कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, क्या आप स्ट्रेस फ्री हुए या नहीं। 2, ये बात जो एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, ये बात जो जिम जाते हैं, जो जिम नहीं जाते, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, या फिर स्टूडेंट से कोई भी हो, मैं सबको ये बात बताना चाहता हूं कि आप हर दिन 10 मिनट योगा कीजिए, बेसिक आसन कीजिए, बेसिक, ठीक है, पर 10 मिनट कीजिए डेली। ठीक है, मैं हर पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, प्लीज आप अपने बच्चों को, छोटे बड़े जो भी है, ठीक है, प्लीज अपने बच्चों को 10 मिनट डेली योगा करवाइए। योग बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। ठीक है, नंबर 3, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, जब हम कोई भी मील लेते हैं उसमें सही तरह का कार्ब्स हो रहा है या फिर प्रोटीन या फिर फैट्स हो रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, सिर्फ कार्ब्स लेने से नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन लेने से नहीं होता है, और सिर्फ फैट्स कंज्यूम करने से भी नहीं होता है, हमें बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आप देख सकते हैं कि बैलेंस डाइट होता क्या है। उसके बाद ये पॉइंट है, अवॉइड एक्सेसिव एल्कोहल। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये आपको लगता है कि मतलब शराब बहुत ज्यादा पीने से आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है ये बात। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, सो प्लीज आप जितना कम कर सकते हैं आप कीजिए, और अगर छोड़ सकते हैं देन बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, थ्रू योर बॉडी आप अपनी लाइफ की स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी टाइम, कोई भी एज, मेडिटेशन। ठीक है, हर एक वीडियो या फिर हर एक ब्लॉग, कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी डॉक्टर, किसी के पास चले जाइए, ये पॉइंट कॉमन मिलेगा, मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए। हमारे ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस होगा ही नहीं आपको, आप एक बार आप अपनी फोकस भी बढ़ जाएगा, आपका स्ट्रेस भी नहीं होगा, एंड आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हमारे माइंड से हम कैसे स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको 6 टिप्स दूंगा थ्रू माइंड कैसे आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने इन 6 टिप्स को फॉलो कर लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपकी लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा और आप अपने लाइफ में स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव एटीट्यूड। जी हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये बोल रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में ना पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव लोगों के साथ चलिए। ठीक है, उसके बाद हमेशा पॉजिटिव रहने की ट्राई कीजिए। जब आप पॉजिटिव रहने की ट्राई करोगे ना, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स एंड यू विल बी हैप्पी। ठीक है, आप खुद में अच्छा फील करोगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, नेवर बी इन आइसोलेशन। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हो ना, तो आप अपने आप को आइसोलेट करते हो, ये मत कीजिए, ये गलती मत कीजिए। आप कभी भी आपको आइसोलेट मत कीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स और यू कैन टॉक टू योर फैमिली। अगर आप बाहर रहते हो देन आप अपनी फैमिली के साथ बात कीजिए, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाइए, या फिर अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं अगर बाहर रहते हैं। मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ, तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, जब भी मुझे कुछ काम का स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, देन मैं ये करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को शायद कॉल कर लेता हूँ, या फिर मैं अपनी फैमिली, चाचा चाची या भाई बहन से बात कर लेता हूँ। उससे क्या होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। नंबर 3, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। या आप अपने आप को किसी और से क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि आप तो अपने आप में बेस्ट वर्जन है ना, तो क्यों किसी और से, वो अलग है आप अलग है।
आप जिस चीज में माहिर है वो उस चीज में नहीं, वो किसी दूसरे चीज में अच्छा होगा। सो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, अपने आप में फोकस कीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ में किसी और का इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए, अपने आप को आप से कंपेयर कीजिए कि कल क्या थे आप, आज क्या हो, ठीक है। डू दैट। उसके बाद आता है नेवर लेट अदर्स कंट्रोल योर लाइफ। नेवर लेट अदर्स कंट्रोल योर लाइफ इसका मतलब है किसी और को अपनी लाइफ की कंट्रोल मत दीजिए, ठीक है। गर्लफ्रेंड हो, कोई और हो, सिर्फ एक्सेप्ट अपने माँ बाप और गुरुजी, ठीक है। उनका बात हमेशा सुनिए और अपना कोई भी आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है डू दैट, ठीक है। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के गाइडेंस में आप कीजिए, क्योंकि कौन क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, हटाइए, इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपके लाइफ को। वो कुछ भी सोचने दीजिए, उनका काम ही है सोचना। नंबर 5, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तेल चीनी और नमक के साथ ना थोड़ा एक्सपेक्टेशंस भी कम कर लीजिए, ठीक है। तेल चीनी और नमक के साथ अपने एक्सपेक्टेशंस कीजिए तो एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। अपने आप से तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आप दूसरों से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। सो डोंट डू दैट। इससे आपका रिलेशनशिप्स खराब होता है, इससे आपका बॉन्डिंग्स खराब हो जाता है। सो नेवर डू एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। इसलिए अपने, ठीक है, आप एक्सपेक्टेशंस कीजिए, आप लोअर कीजिए, आप कम कीजिए, लो कीजिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट पॉइंट वो है, डोंट ट्राई टू चेंज द थिंग्स। डोंट ट्राई टू चेंज द थिंग्स इसका मतलब है लाइफ में जैसा भी सिचुएशन आया है, आप ऐसा सोचिए कि सब चीज परफेक्ट है, सब चीज ओके है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। जब जब आप सोचेंगे कि मैं इसको चेंज कर सकता हूं, अगर आपने चेंज कर भी लिया फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। इसलिए जैसा ही है वैसा रहने दीजिए। नेवर ट्राई टू चेंज द थिंग्स, रादर Try to change the way you look at the things, ठीक है। अपनी नजरिया चेंज कीजिए, एटीट्यूड चेंज कीजिए उससे, ठीक है। अपनी एटीट्यूड, नेवर ट्राई टू चेंज द थिंग्स। जब आप अपनी एटीट्यूड चेंज कर लेंगे ना अपनी सिचुएशन के ऊपर, तब ऐसे ही सबका हल निकल आएगा। उससे एक शायरी याद आ गया मुझे, वो कहते थे ना, मानो तो जीवन सुख ही सुख है, ना मानो तो जीवन दुख का दरिया। मानो तो जीवन सुख ही सुख है, ना मानो तो जीवन दुख का दरिया। देख मेरे यारो, जिंदगी और कुछ नहीं, बस तेरे देखने का नजरिया। हम भी कुछ कर लेते हैं। तो यही था, यही 6 टिप्स था आपके लिए। आप ये फॉलो कीजिए और खुश रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है आप प्लीज पूछिए मुझे, कमेंट्स सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आप मेरी इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रहे, देन प्लीज आप फॉलो कीजिए मास्टर योर माइंड पेज को। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, देन प्लीज हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अलोंग विद दिस घंटा। और मुझे पता है कि मेरा वीडियोस थोड़ा लंबा हो रहा है, पर ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं कोई भी पॉइंट्स को मतलब छोड़ना नहीं चाहता, पर मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मेरा नेक्स्ट जो वीडियोज आए उसमें कम से कम टाइम में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन और कंटेंट आपको मिल जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। जय हिंद, वंदे मातरम, प्राउड टू बी एन इंडियन।